स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? ए 112, बी 100 सी 181, डी 108। आंसर ए 112। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 2.0। अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग क्या है? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन, बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन, सी नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, डी एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह। आंसर बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली भारत में शुरू हुआ। ये प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण थीम चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। अगला प्रश्न, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी वाराणसी। आंसर सी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया गया। अगला प्रश्न, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए गुरु रंधावा, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह, डी शुभमन गिल। आंसर शुभमन गिल। एक्सप्लेनेशन, भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए ग्रेटर नोएडा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। आंसर ए ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं।